वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो रेसल जर्नी। तो भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में, क्योंकि आज के स्मैकडाउन में रोमन रिंग का रिटर्न तो हमें देखने को मिला ही और साथ ही रोमन रिंग का प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिलता है जॉन सीना और एले नाइट के साथ, जिसमें से तो भाई एले नाइट को तो भाई पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख दिया और साथ ही कोडी रोड्स के साथ फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। तो क्या पूरा सीन हमें देखने को मिला रोमन रिंग का आज के स्मैकडाउन में, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रोमन रिंग, जॉन सीना और एले नाइट के प्रोमो सेगमेंट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। वैसे प्रोमो सेगमेंट में हमें ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला और काफी सारे बंदे ये चीज की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि जॉन सीना आज हमें चैलेंज हमें करते हुए नजर आएंगे रोमन रिंग को, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी सीन देखने को नहीं मिला। तो प्रोमो सेगमेंट की स्टार्टिंग हमारे जॉन सीना में करते हुए नजर आते हैं। तो जॉन सीना आके पहले सबका वेलकम करते हैं, फिर इतने ब्लड लाइन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रोमन रिंग आते हैं और सोलो सिक्वा पॉल हैमन भी हमें आते हुए देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर। फिर जो हमारे रोमन रिंग है वो जॉन सीना के बारे में कहते हैं कि एक डरपोक है, जब मैं नहीं था तभी आए थे स्मैकडाउन के अंदर। फिर इसके बाद जॉन सीना सीधा बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं और रोमन रिंग की जो टाइटल रेन है उसके बारे में बात करते हैं कि हाँ इतना लंबा टाइम हो चुका है, ये भी एक काफी अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन जॉन सीना भाई जितना भी बोला जॉन सीना ने, उन्होंने एक चीज काफी बार रिपीट करी कि मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने नहीं आया हूँ, और ये चीज भाई काफी बार रिपीट कर रहे थे जॉन सीना। इस चीज का मेरे को अभी तक समझ नहीं आया क्या सीन है, क्योंकि जॉन सीना कुछ भी बोले उसके बाद बोलते थे कि मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने नहीं आया हूँ, ये चीज काफी बार रिपीट। तो देखते हैं इनका हमें क्या सीन देखने को मिलता है। फिर इनका भाई प्रोमो सेगमेंट आगे बढ़ता है तो एले नाइट हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। एले नाइट के साथ भी भाई थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद जो हमारे जिमी उसो है वो पीछे से आके एले नाइट पे अटैक करते हैं, लेकिन जो एले नाइट है वो जिमी उसो को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर इसके बाद जो पॉल हैमन है वो रोमन रिंग से कहते हैं कि चलो, फिर रोमन रिंग जा ही रहे होते हैं रिंग से उतर जाते हैं। उसके बाद जो हमारे रोमन रिंग है वो सोलो सिक्वा से कहते हैं कुछ, फिर इसके बाद जो सोलो सिक्वा है वो वापस रिंग में जाते हैं और एले नाइट को वन ऑन वन मैच के लिए चैलेंज करते हैं, वो भी मेन इवेंट के लिए, और ये चैलेंज एले नाइट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो भाई ये तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है इनके प्रोमो सेगमेंट में। अब बात कर लेते हैं रोमन रिंग और कोडी रोड के फेस टू फेस में हमें क्या कैसे क्या सीन देखने को मिला। तो आज के स्मैकडाउन में हमें एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जे उसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस ऑस्टन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। तो भाई मैच तो हमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है और इस मैच में जो कोडी रोड्स एंड जे उसो हैं वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। तो इसके बाद जब ये बैक स्टेज जा ही रहे होते हैं, जैसे स्टेज पे आते हैं और इतने ही भाई हमारे रोमन रिंग का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो भी स्टेज पे आते हैं, तो हमें यहाँ पे इनका फेस टू फेस देखने को मिलता है। रोमन रिंग बाहर निकलते ही जैसे स्टेज से आते हैं जो कोडी रोड्स है उनके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बैक स्टेज से निक एल्डिस आके ये सब रुकवाते हैं और फिर भाई अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। और बता दो निक एल्डिस कौन है, अब निक एल्डिस न्यू जनरल मैनेजर बन चुके हैं स्मैकडाउन के, जैसे हमें एडम पियर रॉ पे देखने को मिलते हैं, अब निक एल्डिस हमें स्मैकडाउन पे अब हमें देखने को मिलेंगे। और आपका इस चीज को लेके क्या भाई विचार है, इस चीज को जरूर कमेंट करके जाना। अब बात करेंगे भाई डेस्ट्रॉय वाला की, भाई रोमन रिंग और एले नाइट का लास्ट में क्या सीन देखने को मिलता है। तो मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है सोलो सिक्वा एंड एले नाइट का, जैसे कि प्रोमो सेगमेंट में बुक हुआ था ये मैच, तो मेन इवेंट में हमें इनका मैच देखने को मिलता है। मैच तो हमें काफी कमाल का देखने को मिलता है इनका, और एक मोमेंट पे तो ये लग रहा था कि एले नाइट बस अब ये मैच एंड करने वाले हैं और वो हमें विन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इतने पे भाई हमारे जो जिमी उसो वो बीच में इंटरफेयर कर जाते हैं। वो बीच में आते हैं तो एले नाइट की तरफ से जॉन सीना भी हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। तो जॉन सीना अपनी मूव लगाते हैं जिमी उसो को ए लगाते हैं, फिर इसके बाद इतना भाई सोलो सिक्वा स्टैंड हो जाते हैं और सोलो सिक्वा की तरफ से एक समोन स्पाइक हमें आते हुए देखने को मिलता है, वो भी जॉन सीना के लिए। तो फिर इसके बाद जॉन सीना और जिमी उसो रिंग के बाहर हो जाते हैं और इतने हमारे एले नाइट को भी टाइम मिल जाता है और एले नाइट स्टैंड होके भाई यहाँ पे मूव लगाते हैं अपनी सोलो सिक्वा को और वहाँ पे 1 2 3 होके भाई ये मैच हमें एंड होता है देखने को मिलता है। तो इस मैच के विनर तो हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बाद एले नाइट जैसे ही अपना सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं फिर हमें देखने को मिलता है भाई एक स्पियर रोमन रिंग की तरफ से, एक सरप्राइज स्पियर हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद रोमन रिंग रिंग में इधर उधर भाई कर रहे होते हैं, जैसे भी सेलिब्रेट कर रहे थे हर चीज। फिर इसके बाद हमें इसी मैच और भाई रोमन रिंग के स्पियर के साथ ये स्मैकडाउन हमें यही एंड होते हुए देखने को मिलती है। और आपसे मैं जानना चाहूंगा भाई रोमन रिंग का भाई क्राउन ज्वेल में मैच अब किसके साथ होने वाला है, कोडी रोड्स के साथ हो सकता है या जॉन सीना के साथ, आपके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, तो कमेंट करके जरूर जाना। तो यहीं तक थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भी ना जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।